फिर एक लेजर लैवलर तुहानू दिखाने आंगे चला के बकेट आ गई जिन्हों आपां एक्सटेंड कर सकते हैं किन्नी मर्जी चौड़ाई दे विच आपां इहनू रख लीए। एक बटन तो आपां इहनू चलाउणांगा ते उधर इहने वेखो 7 to 9 तक कर सकते हैं ते 8 to 10 तक कर सकते सिर्फ एक बटन। ये पूरा सिस्टम आगा आ जाओ दिखाने तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरे सत श्री अकाल जी सारे, मैं गुरप्रीत स्वागत कर रहा थोड़ा अपनी अज इस वीडियो के अज की वीडियो के थोनों एक लैवलर वाली बकेट दिखाई हैगी जी। आप कहते भी इस तकनीक के नाल मैं कहूँगा भी पहली बकेट होगी जी ऑटोमैटिकली आप एक्सटेंड कर सकते हुईए तो उन्होंने छोटी कर सकते हुई है। की तकनीक हैगी की ये सारी गलबात हैगी आप इस वीडियो दे विच इहदे बारे गल कर देंगे। तो साढ़े नाल लैंड फोर्स के वलों सर रहेंगे। सर की हाल है जी? सतिकाल जी। सब तो पहला अपना नाम दस दिओ जी। मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। जी तो मैं सारे किसान वीर का दर्शक वीर का स्वागत करदा जी। तो अज असीं नवा मॉडल लॉन्च कर जा रहे हैं जिहदा नाम है एक्सटेंड एक्सटेंड मॉडल लेजर लैंड लैवलर जी। तो वीरो मेन जी ये सब तो मेन तकनीक हैगी बारे आप गल करते हैं सब तो पहला दसोंगे सर माड़ा जा ये बारे। ये असी 2 जैक ला के जी 7 फुटे एक्सटेंड थोड़ा नाम तो पता लग रहा एक्सटेंड बिल्कुल जी। इसे नू लफाता जी 7 फुटे ही 8 फुटा 8 to 9 फुट उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, 7 वाले आप 9 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 9 तक कर सकते हैं जी। तो यहाँ एक होर फायदा है 7 to 7.5 भी कर सकते हैं 8.5 भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐ नहीं है कि 8 होगा या 9 होगा। जिन्ना का अपन मतलब लोड है कि उन्होंने कर सकते हैं जिन्ना किसान नू जरूरत है। ठीक है, उन्ना अपने हिसाब से कर सकते हैं जी। तो इस तो इलावा ये जे आप चलो मेन ये बारे थोड़ी जी होर डीपली गल करिए भी किदा किदा काम करती हैगी। ये देखो जी, ये अपने सिर्फ एक सिंगल बटन लाया है। ठीक है, कंट्रोल बॉक्स उतो बंद ने बटन दबना है, जो बटन छड़ू उत्थे ने रुक जाना, दोनों इकट्ठिया खुलन गियां इकट्ठिया बंद होन गियां। ओके, जिमें कि आप जानते अजक ये किराए तो भी बहुत चलाने वीर। बिल्कुल जी। तो मान लो जो 10 घंटे चलाते हैं तो उन्होंने ये 14 to 15 घंटे का काम करके दूगा। बिल्कुल, उस टाइम के क्योंकि जो एक्सटेंड होकर इन्हें चलना गा तो ज़्यादा काम नबेड़ना सीधी गल। तो जे समा घट लगेगा तो तेल की बचत होगी। बिल्कुल जी। तो जे आप तकरीबन मोटा मोटा लाइए तो 1 एकड़ 1 to 1.5 लीटर तेल बचूगा अपना। आप कह दिए भी 1 दिन के जो बंदा 10 एकड़ से फेरदा तो मतलब 10 एकड़ 12 to 15 लीटर का मतलब फायदा होगा बड़े आराम। तो ये बाबा कहते नहीं कि 15 लीटर ही होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए पर फायदा करूगा ही करूगा, ये कोई शक नहीं है। बिल्कुल जी। तो इस तो इलावा ये होर की चेंज किया गा, एक हाइट मैं थोड़ी ज्यादा लग रही है एक जिदा। हाँ, पहला सानू किसान वीर सुझाव मिले थे कि जिदा बट वी जाती है या रोड से जो लैके जाने नीचे लग जाता। बिल्कुल, तो इन असी तकरीबन 12 इंच उच्चा होंदा करता इहदी हाइट जिहड़ी है जिहड़ी क्लीयरेंस हैगी क्लीयरेंस है ग्राउंड क्लीयरेंस इहदी 12 इंच होगी मैक्सिमम जी। तो एक तुहानू नहीं लगता भी थोड़ी हाइट ज़्यादा हैगी इहदे बारे करोगे क्लीयर थोड़ा जिहा? हाइट हाँ मतलब बकेट की हाइट, इहदी बकेट की हाइट असी ज़्यादा रखी है जी। जे तुसीं बाकी मॉडल देखोगे तो उन्होंने तकरीबन यह 3 to 4 इंच ज़्यादा है ज़्यादा गा। हाँ बिल्कुल, जो पूरी कपैसिटी चल सके। हाँ, क्योंकि कई बार मिट्टी भर के फिर अगे बाहर निकल लग जाती है ना, उस मद्देनजर रखते हुए आप साइज बड़ा ही रखे जी। तो उस तो इलावा आप जो गल करिए जी बैक साइड तो जिहड़े दे एक्सल वगैरह ने गे तो इन्हां दे विच भी मैं थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। ये आप ने यह भी चेंज किया कि एक्सल कला एक्सल लाया 4 टायरों। ओके, पहला यह कट्ठा ही बनता हूँ सीगा तो आपने हुण रैक्टेंगल पाइप लाया है जी। तो आ कले कले टायर नूं कला कला एक्सल लाया टेंडम एक्सल है जो टुटन की ब्रेकेज किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आवे। तो इस हब दे विच भी कोई चेंज है सर? नहीं, ये हब पहले वाले मॉडल के नाल सेम है, वही टिप रोलर बैरिंग ने। ओके, तो बाकी डिजाइन थोड़े सामने है जी। तो जे आप गल करिए जो टूल बॉक्स हैगा ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है भी असी चेंज किया है जी। इन असी यूनीवर्सल बनाया है। ओके, क्योंकि किसान भीर सब अपनी मर्जी नाल कंट्रोल बॉक्स लेंदे ने जी, किसी कोई लाइका का यूज करता है कोई कैनमैक का करता है जी। तो असी इन उस तरीके बनाया मतलब सारा सिस्टम ये टिक सके ना। बिल्कुल जी। तो मतलब वीरो थोड़े कोड़े कोई भी सिस्टम है तुसी बड़ी आसानी दे नाल उहनू इहदे विच रख सकते होगे। एक असी होर इहदे विच प्रोविजन कीता है जी
ਹੁੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਓਕੇ ਕੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਕਟ ਲੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਟੋਪ ਲਿੰਕਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਰੇ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨੀਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਡਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਟ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਲੋਡ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੱਟ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੁਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿੱਟ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੈ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਬਣਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੇਟ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਫੁੱਟਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ 9 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸੋ ਵੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ